जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य दसवें अध्याय की कथा। कार्तिक के महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा के साथ कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, कार्तिक महीने में नियमों का पालन करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य दसवें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारद जी बोले, पहले देवताओं से पराजित जो दैत्य पाताल में थे, वे भी जालंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर आकर निर्भय हो गए। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख दैत्यराज ने उसके सिर कटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृतांत बताया और रत्नों के हर लेने तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। तब जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर घसमर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया। अखर्ब मौली वह घसमर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला। उसने कहा कि समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं। मैं उनका दूत हूँ, उन्होंने जो कहा है सो सुनो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा और तुमने जो रत्न हरण किए उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयानक घसमर से भय और क्रोध युक्त हो बोला। इंद्र ने कहा कि हे दूत, जो हम लोगों द्वारा सागर मथा गया उसका वृतांत सुनो। मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उनके द्वारा रक्षा किए गए थे, इसी से उनके रत्न समूह मेरे द्वारा हरे गए थे। सागर के पुत्र शंख ने देवताओं से द्वेष किया था, जो वह समुद्र के भीतर धंस गया और मेरे छोटे भाई के हाथों मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कह दो। नारद जी बोले, तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया दूत पृथ्वी पे आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्याधिपति जलंधर उसे सुनकर क्रोध से कांपता हुआ सब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना के अधिपति आए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर कर स्थित हुआ। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावती से निकले। तब देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में युद्ध होने लगा। मूशल परीद तीर गदा बर्शी और फरसा से लेकर वे दोनों सेनाएं दौड़ी और आपस में मार होने लगी। दोनों सेना के गिरे गिराए हुए हाथी घोड़े रथ प्यादों से रुधिर के प्रवाह की प्रवृत्ति हुई। संध्या के मेघ समूह से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़के हुए जल की बूंदों से जिलाने लगे। उधर बृहस्पति जी भी युद्ध में मरे हुए देवताओं को जिलाने लगे। द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर युद्ध में मारे गए और फिर उठे हुए देवताओं को देख जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य से बोला कि मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े हो गए। तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अन्यत्र नहीं है, यह प्रसिद्ध है। तब शुक्राचार्य बोले कि द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिला देते हैं, अतएव तुम द्रोणाचल को शीघ्र हर लो। नारद जी बोले, ऐसा कहने पर उस दैत्येंद्र ने द्रोणागिरी को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवताओं को मारे गए देख बृहस्पति ने वहां द्रोणाचल को नहीं पाया, दैत्य द्वारा हरा गया द्रोणाचल को जानकर व्याकुल बृहस्पति आकर श्वास से व्याकुल शरीर हो
दूर से ही बोले कि भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात इंद्र ही के उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर भय से व्याकुल और दैत्य द्वारा बद्यमान हो दसों दिशाओं को भाग गए। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख, भेरी और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश किया। नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में दसवें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय, देवादिदेव महादेव की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से हमारे चैनल पे अगर आप नए हो, अगर आगे के अध्याय की कथा को सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।